सक्सेस, हर किसी के लिए सक्सेस अलग अलग होती है। किसी के लिए अमीर बनना सक्सेस है तो किसी के लिए हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? आज के वीडियो में हम लोग उन 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ का हिस्सा है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को नोट कर ले जो कि हर फील्ड में आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। नंबर 1, दे सेट गोल्स। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं जो अपना गोल सेट नहीं करता हो। हर कामयाब इंसान की यह खासियत होती है कि वह जो भी करता है उसके पीछे एक मकसद होता है, एक गोल होता है। उन्हें एक्चुअली में पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए और इसलिए वो उन्हें हासिल भी कर लेते हैं। अगर आपके पास गोल्स होगा तभी आप उसे अचीव करने के लिए एक्शन ले सकेंगे। बट बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ही यही है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ से चाहिए क्या और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो अभी आप अपना गोल सेट कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप क्या होंगे और कहां पर होंगे। वरना तो इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बस जानवरों की तरह जिए जा रहे हैं। ना कोई गोल है, ना कोई मकसद और ना ही कोई सपना। अगर आपको भी इन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह जीना है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए इस वीडियो को देखना। बट अगर सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो में जितने भी हैबिट्स है खुद में डेवलप करो। नंबर 2, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर कामयाब इंसान की यह निशानी होती है कि उसके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा हो, अच्छा या बुरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। फिर चाहे कितना भी बड़ा फेलियर क्यों ना आया हो उसके लाइफ में, ऐसा कोई भी सक्सेस नहीं जो बिना फेलियर के आता है। पर हर सक्सेसफुल इंसान की यह खासियत होती है कि वह हर फेलियर को चैलेंज की तरह लेते हैं। इसी वजह से सक्सेस को भी जिद्दी लोगों के आगे झुकना ही पड़ता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असफलता का रीजन दूसरों को बताते हैं जिसकी वजह से वो कभी समझ नहीं पाते कि उनसे कहां गलती हुई, वो क्यों असफल रहे। इसलिए आज से ही अपने सारे फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में ले ताकि आप समझ सके कि आपसे गलती कहां हुई है, आप क्यों फेल हुए। नंबर 3, दे फॉलो द डिसिप्लिन। जो इंसान अपने रूटीन को लेकर डिसिप्लिन रहता है उसे सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे दिन क्या करना है, पूरे हफ्ते क्या करना है, पूरे महीने क्या करना है, सब कुछ का शेड्यूल उनके पास रेडी होता है और इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें यह सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि मुझे आज करना क्या है। और कुछ लोग डिसिप्लिन के नाम से कोसों दूर होते हैं, कभी भी सोना, कभी भी उठना, ना कोई टाइम टेबल, और इसी वजह से दिमाग में बहुत सारे काम होने की वजह से भी वो कुछ कर नहीं पाते और प्रोडक्टिविटी 0। नंबर 4, दे बिलीव इन सेल्फ डेवलपमेंट। क्या आपने कभी सोचा क्यों कुछ इंसान एक दिन में इतना कमा लेते हैं जितना कि एक आम इंसान अपने पूरे साल में भी नहीं कमा पाता? और जो डिफरेंस है नॉलेज की वजह से। आम इंसान की यह सोच होती है कि वह सब कुछ जानता है, उसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और जो इंसान कामयाब होते हैं उनमें यह खूबी होती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं क्योंकि वह जानता है कि वह जितना ज्यादा सीखेगा खुद को उतना ज्यादा बेहतर बनाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना आज वो जिस भी पोजीशन में है सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज की वजह से। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। जब भी टाइम मिले कुछ नया सीखते रहो और खुद को अपडेट करते रहो। नंबर 5, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। आप अपनी एक लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें दूसरों की लाइफ से चीजें सीखनी चाहिए और दूसरों की एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो रीडिंग नहीं करता हो। वॉरेन बफेट आज भी हर रोज 600 पेजेस रोज पढ़ते हैं क्योंकि वह जानते हैं उनका दौलत पैसा नहीं बल्कि उनका नॉलेज है। इसलिए रीडिंग को अपना हैबिट बनाओ, अपने नॉलेज को इतना पढ़ा लो कि जो भी तुम अपने लाइफ में बनना चाहते हो वो तुम बन जाओ। एलन मस्क को कौन नहीं जानता, वो एक ऐसा बंदा जो सिर्फ बुक पढ़ के रॉकेट बनाया था और वो आज किस मुकाम में है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कोशिश जो आपके काम आ सके, आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी ये सभी आदतें। इस तरह की और कई वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।